लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिल्कुल नहीं। भला आपने कभी झूठ थोड़ा ही बोला है? दादा, हमने रमेश को थप्पड़ नहीं मारा था। अच्छा, तो फिर उसकी माँ शिकायत क्यों कर रही थी? आपने कुछ तो किया होगा। हमने तो उसके गाल पर बस हल्के से हाथ रखा था। उसके गाल को देखकर तो ऐसा नहीं लगा, ये मोटा निशान। खैर, अब आप अपने हाथ को रमेश के गाल से दूर ही रखिएगा, दिन में ये पहलवान आ जाएगा आपको लेने। ठीक से लगाओ जल्दी, ऑडियो में थोड़ा नॉइज है। आप कंफर्टेबल हैं सर? सर क्या है कि कभी कभार रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मैं समझता हूं, आप जब भी चाहें शुरू कर सकते हैं। जी सर, शुरू करें। या ओके, रोल साउंड, रोलिंग, कैमरा, एक्शन। तो तिवारी जी, सही मायने में इस पूरे सिलसिले की शुरुआत कहां से हुई? यह कहानी शुरू होती है गोरखपुर से। मुद्दा था रेलवे की ठेकेदारियों का। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का बड़ा दफ्तर गोरखपुर में है। रेलवे के विकास कार्य के लिए यहाँ से हर साल अरबों रुपए की ठेकेदारियाँ निकलती हैं। माफिया डॉन तारकेश्वरी सिंह की इन रेलवे ठेकेदारियों पर मजबूत पकड़ थी। 90 के दशक में इस गिरफ्त को चुनौती दी एक नए माफिया सरगना ने, नाम था गजराज सिंह। बात समझा करो तारकेश्वरी, जिन रेलवे ठेकेदारियों का काम इसके इलाके में होना है वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट तो इसे मिलना चाहिए ना भाई, तुम उस पर अपना हक का है जमाते हो। गाजीपुर और बलिया का इलाका इसका है, लेकिन उधर की रेलवे लाइन की रिपेयर की ठेकेदारी किसने उठाई? तुमने। वक्त आ गया है हम सब लोग मिल बांट कर खाएं, तभी तो ना कोई बात बनेगी। क्यों? अरे का दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? अरे बात सुन तो लो तारकेश्वरी। देखो अब आप हमारी सुनिए, सब जानते हैं कि इधर की रेलवे ठेकेदारियों पर सिर्फ हमारा हक है, चाहे वो इलाका गोरखपुर हो या गाजीपुर, और इस हक के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई है। यही कारण है कि पिछले 10 सालों में इन ठेकेदारियों को कोई हमसे नहीं छीन सका। जिसने भी कोशिश की उसे चार कंधों के सहारे की जरूरत पड़ी है। अपने इन चिलंटुओं को बोलिए अपनी औकात में रहें, बांट कर खाएंगे। चलो। अरे नहीं, ऐसे थोड़ा ही ना जाना चाहिए। अब हम चलेंगे द्विवेदी जी, आपने बुलाया था इसलिए आ गए, और भी कई काम है। नमस्कार। तो अब का? इसे समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा, जिद्दी है पर समझ जाएगा। और तब तक? तब तक तुम्हें अपने को थामे रखना होगा, इस वक्त थोड़े धैर्य की जरूरत है।
बात को बिगाड़ना नहीं है, संभालना है। अजय चाय आप यहाँ रख दीजिए, हम पी लेंगे। साथ में बिस्किट भी है। माँ सुबह से काम कर रही हैं आप, थक जाएंगी, बैठ जाइए। अजय अभी तो कार्टन से सामान निकले भी नहीं है। माँ हमें आए हुए एक ही दिन तो हुआ है, सारा काम क्या आज ही कर लीजिएगा। बीस साल में इस शहर का मिजाज ही बदल गया। हजरतगंज से जब गुजरे तो लगा कि किसी और ही शहर में आ गए हैं। जबान में जो थोड़ी बहुत नफासत थी वो भी खत्म हो गई। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। मेरी इन लगातार ट्रांसफर्स का सारा जोर आप ही पर पड़ता है ना माँ। 8 साल में 14वीं पोस्टिंग, अच्छा है। ईमानदारी की कोई तो कीमत चुकानी होगी। वैसे भी फर्ज से बेईमानी दुनिया का सबसे आसान पेशा है। तो कैसा लग रहा है लखनऊ? अच्छा है सर। जानते हैं मेरा और इस शहर का एक लंबा रिश्ता है। मेरी पहली पोस्टिंग यहीं हुई थी। उस जमाने में गोमती चौराहे पर एक ठंडाई की बड़ी सी दुकान हुआ करती थी, जिसके बोर्ड पर लिखा रहता था, जरा मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। अरे आप तो सचमुच मुस्कुरा रहे हैं। ये क्या है? सर ये ताकेश्वरी सिंह के मर्डर से रिलेटेड कुछ पेपर कटिंग्स हैं। अरे भाई अगर ये कुछ है तो फिर काफी क्या होगा? और एज यूजुअल आपने इस पर काफी रिसर्च भी की लगती है। अब आप इस पर डिस्कशन भी चाहेंगे। यस सर, लाइन वन पे सेक्रेटरी टू सीएम मिस्टर गुप्ता है। ओके पुट मी ऑन। जी गुप्ता जी, कपूर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हम बड़ी परेड से रिलेटेड एक डिस्कशन चाहते हैं। जी लेकिन फिलहाल मैं एक मीटिंग में 10 बजे मिल रहे हैं। वेलकम टू लखनऊ। तीन लड़के थे सर, तकरीबन 60 राउंड चले हैं। करीब आधे मिनट तक फायरिंग हुई है। इन पांचों को संभालने का मौका नहीं मिला। नहीं मैम, रिमलेस, सब के सब रिमलेस। बेसिक फायरिंग कार्बाइन से हुई। यूनिवर्सिटी इलेक्शन से जुड़ी राइवलरी लगती है। सेमी ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में। सैयद सेंड ऑल द ब्लड सैंपल्स टू द लैब। ओके साल था 1997 यानी कि 1997। विधानसभा चुनाव हाल ही में ख़त्म हुए थे। राजनीतिक सरगर्मियों से लखनऊ सराबोर थी। इस जद्दोजहद के बीच नए चीफ मिनिस्टर अपने नए सिपह सालारों के साथ शासन की बागडोर संभाल चुके थे। राजनीतिक हलकों में एक ख़ास कस्म की सुगबुगाहट थी। सब कुछ कमोबेश अपनी रफ्तार पर ही चल रहा था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो सुना है, पर इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में मैं कुछ खास नहीं जानती। अजय जी मां, इसे पहचान पा रहे हो? आंटी रहने दीजिए ना। अरे पहचानो भी, पुलिस के आदमी हो क्या? एसएसपी अजय कुमार, ये अनामिका हैं, मेजर सुबोध कांत साहब की बेटी। आप तो काफी बड़ी हो गई हैं।
कल शाम मेजर साहब का फोन आ गया। उन्होंने तुम्हारा इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था। बहुत खुश थे तुम्हारे जवाबों से, तो हम ही ने उनसे पूछ लिया कि कैसी है आपकी बच्ची। इस पे बहुत कस के हंस दिए वो। और ये रही वो बच्ची। तुम दोनों बातें करो, मैं नाश्ते की तैयारी करवाती हूँ। तुम्हें अभी भी वो सूखे मूंग की दाल अच्छी लगती है ना? जी बहुत। काफी समय बाद मिल रहे हैं हम लोग, almost 20 years। जी तो कुछ काम वाम करती हैं आप? ऑफ कोर्स। क्या काम करती हैं आप? इकोनॉमिक्स में लेक्चरर हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में। आप लेक्चरर होके इतना कम बोलती हैं। नखरेदार बनो, नखरेदार बनो, नखरेदार बनो, आई पिया नखरेदार बनो, आई पिया महके सारी रतिया जो ही पिया, महके सारी रतिया जो ही पिया, ये प्यारी सी दुल्हन। जैसे बिजुरी चमक गई हाँ हाँ पिया, जैसे बिजुरी चमक गई हाँ हाँ पिया, इस बन्नी का घूंघट। अखिलेश को मारने की क्या जरूरत थी? बात तय हो चुकी है कि आपस में मारकाट नहीं होगी, उसके बाद भी इतना गर्म काहे हो रहे हैं? देखिए जब बात हुई थी जरूरतें दूसरी थी, अब कुछ और है। इसका क्या मतलब है? जवान का कोई अहमियत नहीं? नहीं है, अहमियत है तो सिर्फ धंधे की, और उसके लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी, कुछ भी। सुगु, देखो गजराज, सीधी सी बात है, खून खराबा कोई नहीं चाहता, क्योंकि इससे नुकसान और किसी का नहीं होगा, हम ही लोगों का होगा। हम लोग काफी समय से इस धंधे में हैं, सबके एरिया बने हुए हैं, एक व्यवस्था है। वैसे देखा जाए तो ताकत हम सभी के पास है, फिर दिक्कत क्या है? यही तो दिक्कत है, ताकत सबके पास है, किसी पर कोई लगाम ही नहीं। इसको बदलना होगा, अब नई व्यवस्था बनेगी जहां पर एक ही की हुकूमत होगी, उसके बराबर कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं, वर्चस्व उसी का होगा। और तुम्हें लगता है कि अपनी ताकत हम ऐसे ही दे देंगे? नहीं, इसीलिए आप लोगों की ताकत आपसे छीननी होगी। तो आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए एसएसपी साहब, ये गजराज कुछ भी कर सकता है, अजीब बातें करता है, एक ही हुकूमत, वर्चस्व की लड़ाई, किसी की नहीं सुन रहा, पगला गया है। आप शहर में नए हैं, हमारा भी तो फर्ज बनता है कि सही दिशा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करें, भले ही आप हमें पहचाने ना पहचाने। नारायण पांडे, माफिया सरगना की आपराधिक गतिविधियों के क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश रहे। इनके विरुद्ध हत्या,
हत्या का प्रयास, अपहरण, अनाधिकृत वसूली और गैर लाइसेंसी हथियार रखने के 79 मुकदमे पंजीकृत हैं। 79 केसेस। किसे पहचानने की बात कर रहे हैं आप? क्या 20 साल पुरानी फाइल देख रहे हैं एसएसपी साहब? ये सारे के सारे मुकदमे एकदम झूठे हैं। हम तो समाज सेवा की तरफ प्रतिबद्ध हैं और ये बात तो जग जाहिर है। क्या आप तो हमारे ही पीछे पड़ गए और हम यहां गजराज की कहानी कहने आए थे? गजराज की कहानी और आपकी कहानी अलग थोड़ी है। पूरी की पूरी व्यवस्था बना रखी है आपने और ताकेश्वरी सिंह जैसे माफिया डॉनों ने। वहीं से तो निकला है गजराज। फर्क सिर्फ इतना ही है कि वो आप ही की बनाई हुई व्यवस्था अपने तरीके से चलाना चाहता है। कल जैसा आपने किसी और को किया था, आज कोई और आपको कर रहा है। कल के सरगना नारायण पांडे थे, आज गजराज सिंह है, कल कोई और होगा। आप सबों की कहानी एक ही तो है। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। ये आप लोगों की आपस की लड़ाई है, इसमें पुलिस कुछ नहीं करेगी। यानी गजराज ऐसा ही रहेगा? इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है आप जैसे समाज सेवक को। अलाव अस टू डील विद हिम। जी भिजवा दीजिए। ओके। इतनी देर से डिक्शनरी में किसका मतलब देख रहे हो अजय? एक शब्द है मां, वर्चस्व, उसी का मतलब ढूंढ रहा हूं। वर्चस्व, वर्चस्व की लड़ाई, यही कहा था उसने। किसने? है एक समाज सेवक। अरे एक समाज सेवक का वर्चस्व की लड़ाई से क्या रिश्ता? इसका है मां, ये जरा दूसरे किस्म का समाज सेवक है। आप जानती हैं वर्चस्व का मतलब क्या होता है? हाँ, पॉलिटिकल साइंस में इसके बारे में पढ़ा तो है ही। वुड यू टेल मी अबाउट इट? वर्चस्व यानी पूरी ताकत, एब्सोल्यूट पावर, जिसे ना तो किसी को बांटा जा सकता है और ना किसी को दिया जा सकता है। इसे सिर्फ हासिल किया जाता है। वर्चस्व उसी आदमी का है जिसका हुक्म मानना लोगों की आदत बन चुकी है। वही होता है जो वो चाहता है, उसकी मर्जी से, उसकी ही शर्तों पर। सर, में दो चीजें कॉमन है। पहला तो ये कि ये सारे के सारे मर्डर्स रेलवे कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए हैं, और दूसरा इन्हें बड़ी बेरहमी से मारा गया है। जहां 2 या 3 गोलियों से काम चल सकता था, वहां पूरी की पूरी मैगजीन इंसान के शरीर में दाग दी गई है। सर, द आइडिया इज टू कन्वे अ मैसेज, जो खिलाफ है वो मारा जाएगा। फ्रेंकली अजय, आई शुड डिसबॉदर अस। गैंगस्टर्स ही तो है ना, मरने दो सालों को। अच्छा है जो काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं वो ये महान आत्मा कर रही है। आई बेग टू डिफर सर, चीजें इतनी सिंपल नहीं है। मलिहाबाद और सीतापुर के मर्डर्स में 3 पुलिस इन्फॉर्मर्स भी थे। कम ऑन अजय, ऐसा तो होता ही रहता है, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। सर अगर ऐसा है तो फिर वो गलत है सर, और आप इसे तो सीखा है, जो गलत है वो गलत है। ओके, द पॉइंट इज टेकन। बैठो बैठो। बताइए कितने लोग हैं गजराज के साथ? सर 4 महीने पहले 3 थे और अब 21। इनमें से कुछ हमारे पुलिस रिकॉर्ड्स में हैं और कुछ दूसरी गैंगों से आउटसोर्स किए गए, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। फिर वही पुरानी कहानी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। कभी कभी सोचते हैं कि
पढ़े लिखे दिमाग को ये क्रिमिनल्स ऐसा क्या कहते होंगे कि वो इस कदर उनके साथ हो लेता है। सारी पढ़ाई लिखाई इतनी नौटंकी के बाद यही बने हो जो अभी हो? अब कोशिश तो बहुत की, मगर कभी किसी ने मौका ही नहीं दिया कुछ करने का। कभी सोचा कि मौका काहे नहीं दिया गया? क्योंकि तुम कमजोर हो। इधर देखो, कौन देगा एक कमजोर को मौका? कमजोर को मौका दिया नहीं जाता, उससे मौका छीना जाता है। इसको देख रहे हो और वो जो बगल में खड़ा उसको देख रहे हो, इनमें से किसी को भी मौका नहीं दिया गया। कौन सी बड़ी बात है? यही होता आया है, यही होता रहेगा। मौका नहीं दिया गया। लेकिन इनमें और तुम में एक फर्क है। इन्होंने फैसला किया कि तुम्हारी तरह ये हमेशा नामर्द और कमजोर नहीं रहेंगे, हमेशा बेइज्जत नहीं होते रहेंगे। जरूरत पड़ी तो गाली का जवाब गोली से देंगे, लेकिन ये इनका फैसला था। अब सवाल है कि तुम क्या चाहते हो? हमने पिछले महीने ही कहा था मार दो साले को, डेंजरस है, पर हमारी सुनता कौन है? शांत हो जाओ, कानपुर बात हो गई है, एक दो दिन में इंतजाम हो जाएगा। अरे हमको सिग्नल दिए होते तभी साले को गोली मार देते। मौत से पुरानी हुकूमत का आखिरी खंबा भी ढह गया। नए हुक्मरानों ने पुराने तौर तरीकों को तेज धार दी। जुर्म के उस सनसनीखेज दौर में फिरौती, अपहरण, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स बेहिसाब बढ़ गए। उत्तर प्रदेश के अपराध जगत में दहशतगर्दी की कोई सीमा ही नहीं रह गई। एकाएक ये खेल और भी खतरनाक हो चला था। रेलवे ठेकेदार और राष्ट्रीय जागरण पार्टी के पूर्व विधायक विजन सिंह की आज दिन दहाड़े उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। की टीम ने इस मामले में राज्य के पूर्व गृह मंत्री रामनाथ मिश्र से बात की। मात्र कानून बना देने से अगर काम चल जाता और उसकी अभिपूर्ति हो जाती तो आज इस प्रदेश की ये दशा ना होती। यहाँ की अलग जरूरतें हैं, उन जरूरतों को हमें समझना होगा। जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा होगा। द्विवेदी, जरा इस गजराज से हमारी मुलाकात तो करवाइए। आप उससे काहे उलझना चाहते हैं मिश्रा जी? उल्टी खोपड़ी का आदमी है ससुरा, बोलता कुछ है, सोचता कुछ है और करता तो कुछ और ही है। इस वक्त ऐसा ही आदमी चाहिए जी। अभी जिस तरह के राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं उसमें यह व्यक्ति बड़ा ही कारगर सिद्ध होगा। लेकिन मिश्रा जी ये दे, सभी लड़ाइयां राजनीति के दायरे में रहकर नहीं लड़ी जा सकती, कुछ का अलग समाधान ढूंढना पड़ता है जी। अजय साहब, ये रही आपकी जेएलबनीज की किताब। थैंक यू। कंटेम्पररी इश्यूज इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बड़ी मुश्किल से मिली है, वैसे ये आउट ऑफ प्रिंट है। दिस बुक हैज सम गुड एसेज ऑन फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, यू कैन डेफिनेटली टेक दिस, आई थिंक शुड डू। श्योरली। हेलो, कैसी हैं आप? हेलो, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। थैंक यू। कोई खास किताब देख रही हैं? नहीं नहीं, वो दरअसल स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प चाहिए थी तो उनकी मदद कर रही थी। कॉफ़ी पीती हैं आप? कॉफ़ी जी हाँ।
गुड 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 तो मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगी आप? जी लेकिन ये स्टूडेंट्स काफी हैं। पुलिस भी है। आप घर नहीं आती हैं? माँ और रामजी आपको बहुत याद करते हैं। कॉफी पीजिए ना। आज ही का डेवलपमेंट है सर। सुबह गजराज और उसके आदमियों ने बनारस भदोही रास्ते से एक एस्टीम गाड़ी को उठाया गन पॉइंट पे। कितने आदमी थे? गजराज को मिलाकर 5। जब सेठ ने आना कानी की तो उन्होंने AK-47 से फायर कर दिया। गोली पैर पे लगी है। सोलंकी जी, एनीथिंग सीरियस? नहीं सर, मामूली घाव है। गजराज बनारस में है, ये उसका पता है। ये न्यूज़ कंफर्म है ना? इन्फॉर्मेशन एकदम पक्की है सर। ये मकान दरअसल गजराज के मामा का है, जो कि खुद एक हिस्ट्री सीटर है। बड़ा ही हरामी आदमी है सर, इसको तो मैं खुद गोली। पिछले महीने जब मिश्रा का मर्डर हुआ था उस वक्त भी ये लोग बनारस में यहीं ठहरे थे। इस एरिया की टोपोग्राफी है हमारे पास? जी सर, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो है। तो क्या सोचा है आप लोगों ने? सर हम तो कहेंगे कि इस वक्त हम लोगों को सही प्रोसीजर पर चलना चाहिए। क्या है सही प्रोसीजर? यही कि हम लोग लोकल पुलिस को अपने कॉन्फिडेंस मिले और फिर एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान करें।
ब्रिश किशोर के केस की तरह से कि जब तक हम लोग वहां पहुंचे सारे शहर को खबर हो चुकी थी कि यहां ऑपरेशन होने वाला है। इनफैक्ट सर, लखनऊ पुलिस को रिसीव करने के लिए जी न्यूज की पूरी टीम आई थी स्टेशन पे। लाइव कवरेज दिया था उन लोगों ने। लेकिन सर, इसका मतलब ये तो नहीं कि जो सिस्टम बना हुआ है हम उसको फॉलो ही नहीं करें, सही तरीके को माने ही नहीं। सही तरीके से सही नतीजा भी निकलेगा इसकी उम्मीद मत करिएगा। यादव ठीक कह रहा है, लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन सर, वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर्स। लेकिन इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन तो हम लोगों के पास तो है नहीं। हमारी अपनी सोर्सेज हैं। वाह, इलाका हमारा और सोर्सेज आपके, अच्छा है। तो फिर ऐसा है अजय जी कि बनारस में वीआईपी मूवमेंट चरम सीमा पर है और इसी के कारण पुलिस फोर्स की कमी है, पर आपका ये काम भी तो जरूरी है। तो एक काम करते हैं, हम एसपी त्रिपाठी को आपके साथ तैनात कर देते हैं। भाई, पर्याप्त पुलिस बल के साथ तो आपके संग रहेगा। लेकिन एक बात तो बताइए, कई गजराज सिंह इतना बड़ा क्रिमिनल है कि लखनऊ के एसएसपी को यहां आने की जरूरत पड़ गई? कुछ तो जरूरत थी और कुछ आदत। तो आदत बदलिए ना, आप जैसे अफसरों की वजह से ही हम जैसों की बजी पड़ी रहती है। द्विवेदी आया था जब आप सो रहे थे, थोड़ी देर बैठा भी, लखनऊ बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? मीटिंग कराना चाहता है इससे। रामनाथ मिश्रा? हाँ, कुछ अर्जेंट बता रहा था, कहा जरूरी काम है, मिलना है। लेकिन उसे कहलवा दो कि मीटिंग लखनऊ में नहीं, यहीं होगी, बनारस में। आपको लगता है वो यहाँ आएगा? जरूरी काम है तो कहीं भी आएगा। नाकामियों का यह सिलसिला आने वाले कई हफ्तों तक चलता रहा। गोंडा, आजमगढ़ और इलाहाबाद तक ऑपरेशंस भी किए गए। इक्का दुक्का सफलताएं भी मिली और पुलिस की इन तमाम कोशिशों के बावजूद पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफिया गिरोहों की गतिविधियों में कुछ खास कमी नहीं आई। उधर सत्ता और प्रशासन के हाकिमों ने लखनऊ पुलिस के इस जोशीले तेवर को ज्यादा सराहा नहीं। आखिर क्या वजह है कि पुलिस को उस तरीके की कामयाबी नहीं मिल रही जिसकी उम्मीद की जा रही थी? देखिए, हमारे ऑपरेशंस के फेलियर और सक्सेस के बेसिस पर आप पुलिस के इनिशिएटिव को इस तरह एनालाइज नहीं कर सकते। हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इट टेक्स अ लिटिल टाइम, इट्स अ कॉम्प्लेक्स केस। बस एक आखिरी सवाल और, क्या ये इनिशिएटिव्स इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस, माफिया और पॉलिटिशियंस के बीच साठगांठ है? आई एम सॉरी, आई कांट स्पीक टू एनीवन, थैंक यू। ये थे लखनऊ के एसएसपी अजय कुमार, जो अपराधियों के खिलाफ एक नई मुहिम छेड़ने की तैयारी में हैं। गौरव द्विवेदी, जी न्यूज, लखनऊ। दिनांक 14 अक्टूबर 1997 को 7 अज्ञात शस्त्रधारी व्यक्ति पुलिस की वर्दी में बिना किसी सूचना या वारंट के गोरखपुर के चिल्लुपार विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक श्री जगत द्वेदी के घर में जबरन घुस गए तथा विधायक और उनके परिजनों से अभद्र व्यवहार किया। सादर अनुरोध है कि इस प्रकरण से संबंधित दोषी अधिकारियों को निलंबित किया जाए ताकि भविष्य में किसी समर्पित राजनीतिक कार्यकर्ता का इस तरह उत्पीड़न न हो।
Any reactions? No, sir. तकरीबन सारी बातें तो इसमें आ ही गई हैं। बस एक बात का जिक्र नहीं है कि उस रात गजराज सिंह भी विधायक जी के साथ उस घर में मौजूद था। सर, हम उसको पकड़ लेते अगर हमारी तलाशी पूरी हो पाती। उसी बीच आईजी साहब का फोन आया और वी वर ऑर्डर्ड टू वेकेट द प्रमाइसेस। अजय, ये शहर अपनी तमाम खामियों के बावजूद पॉलिटिकली जगा हुआ है। हर कोना हर दूसरे कोने से जुड़ा हुआ है, एक सिस्टम है, हर काम को करने का अपना एक तरीका है। सर, मेरे ख्याल से हम लोगों का ध्यान सिर्फ नतीजे पे होना चाहिए। The idea is to finish the job. तरीका चाहे जो भी। Don't be ridiculous, Kapoor. इस स्पेशल फोर्स की कोई jurisdictional responsibilities नहीं, कोई सिविल ड्यूटीज नहीं। इससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल दिक्कतें पैदा होंगी उससे क्या तुम वाकिफ हो? सर, ये एक नई किस्म का अप्रोच है जिसके अपने एडवांटेजेस हैं। टू हेल विद द एडवांटेजेस। अगर इस तरह की फोर्स बना दी गई कपूर, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का क्या होगा? क्या वो फंक्शन करना बंद कर देगी? सर, इस फोर्स में यूपी के उन ऑफिसर्स को शामिल किया जाएगा जो पूरी तरह कमिटेड है और उनका सिर्फ एक ही एजेंडा होगा, उत्तर प्रदेश से ऑर्गेनाइज क्राइम का खात्मा, कहीं भी और किसी भी तरीके से। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में। इस तरह की फोर्स हमारे सिस्टम में काम नहीं कर सकती। सर, स्पेशल फोर्स का ज्यूरिसडिक्शन पूरे यूपी में होगा। ऑपरेशंस के दौरान ये कहीं भी जा सकती है। इस फोर्स को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फोर्स रिपोर्ट करेगी सिर्फ एक ही पोजीशन को और वो होंगे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि आप। अगर सिस्टम में ही कुछ प्रोविजंस इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं, तो मुझे लगता है इस फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोविजंस? अब एडीजी साहब ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे सिस्टम ही इनकॉम्पिटेंट है? आई डोंट बिलीव दिस। गुप्ता जी, प्रोविजंस तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए जाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इनकॉम्पिटेंट है। सर, मैं अर्ज ये कर रहा था कि एक खास मकसद के लिए कुछ खास पुलिस अफसर मुहैया कराए जाए। एडीजी कपूर, इस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप उन्हीं तरीकों और उन्हीं अफसरों का इस्तेमाल कीजिए जिन्हें इस सिस्टम ने आपको दिए हैं। यस सर, बट व्हाट आई वांट टू से, कैन वी एंड दिस डिस्कशन नाउ? ओके सर। बाय द वे कपूर सर, जो ये इरिगेशन मिनिस्टर बने हैं, इनकी डॉटर इन लॉ को भी सिक्योरिटी कवर देना है। राइट सर। आपने जो कहा है वो तो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ कैश से काम नहीं चलेगा। तो फिर परसों रेलवे का टेंडर निकलेगा गोरखपुर देवरिया के बीच डबल ट्रैक डालने का, उस पुल में हमारा आदमी भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलेगा। क्या बात कर रहे हो गजराज, पुल में ऐसे ही कोई थोड़ी ना घुस सकता है, कोई बच्चों का खेल है क्या? नहीं नहीं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ होगा, लेकिन अब होगा। अरे लेकिन ऐसा कैसे होगा, ये क्या बात हुई? मिश्रा जी, आप समझाइए ना इसे। वो जैसा कहता है वैसा करवा दो। लेकिन मिश्रा जी, आप गजराज, बाकी तो तुम समझ ही गए होगे, और वो डिटेल्स तुम्हें कल तक मिल जाएंगे। क्या बात है राम जी? स्टोर रूम के बाहर ये ट्रंक पड़ा हुआ था, सोचा आपको दिखा दें। अच्छा, हम देख लेंगे।
आप वहां रख दीजिए। जी बहुत अच्छा। मेजर रवि कुमार इन चार्ज ऑफ अल्फा कंपनी ऑफ 34 जाट रेजिमेंट इन सेक्टर छमजोड़िया इज बीइंग कोर्ट मार्शल्ड फॉर कावडिस अंडर आर्मी एक्ट सेक्शन 34A। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने शत्रु का प्रतिरोध किए बिना कायरता दिखाते हुए अपनी पोस्ट को लज्जास्पद रूप से छोड़ दिया। चारों तरफ गोलियां चल रही थी प्रभा, हर तरफ लाशें थी, मरे खून का रंग काला होता है मैंने पहली बार देखा, तुम समझ रही हो ना प्रभा? पर ये बात तुम अजय को मत बताना, नहीं बताओगी ना? माँ, पापा दरवाजा नहीं खोल रहे, पापा को बोलो ना दरवाजा खोले, पापा, पापा। इसको जाकर बहा दीजिए नाली में। अरे इतना फीका चाय पिएंगे हम? ठाकुर साहब, हमें लगता है मिश्रा की पार्टी का है और ये नहीं चाहता है कि आपका मुंह मीठा हो। अरे अब खड़े का हो, जाओ जाके बता दो अपनी उस पार्टी से कि इस बार के इलेक्शन में हमारे ठाकुर साहब उस रामनाथ मिश्रा के जमानत जब्त करवाएंगे। ये ठाकुर साहब कौन से कमरे में है? जी इसी में है। क्या छाप रहे हैं ये लोग? ठाकुर के खून के लिए हमें दोषी माना जा रहा है। द सीएम शुड टेक द ब्लेम। अराजकता के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार। गुप्ता, हम इसका कोई जवाब देंगे भी कि नहीं? गवर्नमेंट क्या एक मजाक बन गई है? क्या लिखा है, पढ़ा है तुमने? जी सर, लेकिन ये चार अखबार तो अपोजिशन के माउथपीसेस हैं, इनकी पॉलिटिकली कोई अहमियत तो है ही नहीं। क्यों सर? सर साफ लग रहा है कि इन लोगों ने न्यूज को गलत पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्टिवली एनालाइज किए बिना पैरोकियली इंटरप्रेट किया है ना सर? अब मैं कुछ बोलूं? जी सर। गुप्ता, बात यह नहीं है कि छपा क्या है, बात यह है कि कुछ हुआ है और प्रश्न यह है कि हम क्या कर रहे हैं इस बेधड़क मनमानी को रोकने के लिए। सर, इन अपराधियों को पकड़ने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ख्याल रहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, ये कोशिश ईमानदार हो। मैं आपको फोन पर सब कुछ बता तो चुका हूं, और क्या जानना चाहते हैं आप? जैसा कि आपने अपने स्टेटमेंट में लिखवाया है, जब आप निकले तो तीन चार लोगों ने आपको घेर लिया जिनके पास गन्स थी। जी। उन लोगों ने आपको अपनी कार में बिठाया और चल पड़े। अच्छा, जहाँ पर रखा था वहाँ का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आप? शायद कोई गांव था, उसकी दीवारें मिट्टी की थी। और कुछ याद है उस जगह के बारे में? देखिए, रहने दीजिए, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है। अच्छा सत्यपाल जी, ये फिरौती की डिलीवरी कैसे हुई? मेरे अकाउंटेंट को उन्होंने दिल्ली बुलाया था, पालिका बाजार के पीछे जो पार्किंग है वहाँ, वहाँ गजराज भी मौजूद था और डिलीवरी उसी ने ली थी। तय कितने में हुई है जी? तय कितने में हुई? 37 लाख। सिर्फ 37 लाख? सर, 37 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। शायद
शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह से तैयार थी। अगर आपने हमारी मदद की होती तो हम उनको गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते। सर, मेरे परिवार वालों के लिए मेरी जान ज्यादा कीमती थी, वो मुझे जिंदा देखना चाहते थे, चादर में लिपटा हुआ नहीं। सर, पुलिस कंट्रोल रूम को 11:03 पर होटल से शूटआउट की खबर मिल चुकी थी। सर, भीड़भाड़ वाले इस इलाके में 190 मीटर चलने के लिए गजराज और उसके आदमियों को कम से कम 5 मिनट तो लगे ही होंगे। पर सर, देखने वाली बात यह है कि सैयद, मैं समझ गया। 11:03 पर ये लोग होटल से रवाना हुए और 11:08 पर अपनी कार में पहुंच गए। क्या, व्हाट इज द पॉइंट? दैट इज द पॉइंट सर, 11:05 पर ठाकुर के छोटे भाई को गोरखपुर में गजराज सिंह का फोन आया था। उसने उसको बड़े ठाकुर के मरने की खबर दी और रेलवे की ठेकेदारी में ना उलझने की धमकी। इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि यह कॉल सेलफोन से किया गया था। यह कैसे हो सकता है? सेल्यूलर सर्विसेज लखनऊ में अभी अभी शुरू हुई हैं, 10 दिन भी नहीं हुए, उसके पास ये फोन कहां से आ सकता है? अनफॉर्चुनेटली सर, उसके पास आ चुका है और वो उसका इस्तेमाल भी कर रहा है। अब सेल्यूलर कन्वर्सेशंस की ट्रैकिंग कैसे होगी? डीओटी फोन्स को तो फिर भी सर्विलेंस पर लिया जा सकता है, लेकिन सेल फोन से कैसे डील करेंगे? एडीजी साहब ये सवाल औरों से नहीं, दरअसल खुद से पूछ रहे थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी पुलिस अंडरवर्ल्ड के इस नए हथियार के लिए तैयार नहीं थी। हैरत की बात यह रही कि 90 के मध्य दशक तक देश की कोई भी पुलिस सेल्यूलर फोन्स को सफलता से सर्वेलेंस पे नहीं ले पाई थी। नई टेक्नोलॉजी को समझने के इस इम्तिहान में लखनऊ पुलिस बिल्कुल अकेली थी। सेल एक तरह का मैग्नेटिक एरिया होता है, जिसे टावर के एंटीनास और ट्रांसमीटर्स डिफाइन करते हैं। अब अगर ये टावर शहर में है तो फिर उसमें ट्राई डायरेक्शनल एंटीनास होंगे, और अगर ये हाईवे पर है तो फिर बाई डायरेक्शन। एज एक्सप्लेन, बेस स्टेशन इज नथिंग बट ए ट्रांसमीटर। मैग्नेटिक फील्ड का एरिया प्राइमरी डिपेंड करता है बेस स्टेशन यानी कि ट्रांसमीटर की पावर पर। अब ये पावर भाई सोलंकी जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नो टॉकिंग, कॉन्सेंट्रेट प्लीज। गोइंग बैक, जीएसएम फंडामेंटली वर्क्स ऑन अ सेल स्ट्रक्चर, जहां पर ये सेल्स मैग्नेटिक फील्ड फोर्सेस हैं, हेक्सागनल शेप। आप लोग इतमान से चाय पी लीजिए, फिर बातें करते हैं। नहीं सर, अब किसी चीज की इच्छा नहीं रही। चाय पीजिए प्लीज। हाँ सर, तुम कुछ कहना चाहते थे? एक प्रॉब्लम है सर, हमारी बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जबकि इन टेलीकॉम एक्सपर्ट्स का पूरा ध्यान टेक्निकल डिटेल्स देने में, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली सर, हमें इस वक्त ऐसा आदमी चाहिए जो सेलुलर टेक्नोलॉजी को हमारी जुबान में हमें समझा सके। समझा तो मैं आपको सकता हूँ, लेकिन समझने के लिए आपका रोज क्लास में होना जरूरी है। सॉरी सर। बहरहाल, फिर से समझते हैं। ये देखिए, ये एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। इसमें ये हेक्सागनल शेप के छोटे छोटे बहुत से कमरे हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन के नेटवर्क का डिज़ाइन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप अपनी आवाज से पहुंच सकते हैं। तो वेलकम टू द वर्ल्ड मोबाइल कम्युनिकेशंस। कल क्लास में जरूर आइएगा, कल हम लोग WLL पर डिस्कशन करेंगे। तिवारी, अगली क्लास के लिए देर हो रही है, क्या हम लोग बाद में बात नहीं कर सकते? शायद नहीं। अगले दिन ही मुझे कॉलेज से रिसर्च लीव मिल गई और फिर मैं पुलिस हेडक्वार्टर्स के एक बड़े से कमरे में बैठने लगा। टेबल के साथ एक टेप रिकॉर्डर, 2 टेलीफोन्स और 3 मोबाइल फोन्स भी दे दिए गए। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से जितनी भी किताबें और जर्नल्स मुझको सेलुलर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई मिली,
उनको मैं अपने साथ ले आया था। दिन भर टेलीकम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग्स हुआ करती थी और रात में पढ़ाई। जिस नंबर को हमने टैप करना है उसका रेप्लिकेटेड सिम, मतलब मैचिंग, मतलब उसी जैसा सिम कार्ड हम इस सेलफोन के अंदर डालेंगे। इससे हम सिर्फ सुन पाएंगे, सब्सक्राइबर की बिलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हजरतगंज में पैसा कहां डिलीवर करवाना है? खरीदने में इतना वक्त लगेगा। साहू टॉकीज के सामने और इस तरह से शुरू हुआ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस। गजराज और उसके आदमियों के मोबाइल फोन्स को हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन पे ले लिया। ये लोग जिन नंबरों को फोन करते थे और जिन नंबरों से इनको फोन आते थे उन सभी को हम लोगों ने मॉनिटर करना शुरू किया। वक्त लगा, काफी गलतियां भी हुई, पर धीरे धीरे पुलिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के इस नए खिलौने को समझने लगी थी। दिनों में चौथी मुठभेड़, ये लखनऊ पुलिस को हो क्या गया है? अरे यार, आज ये दोनों सुल्तानपुर से आएंगे, इसकी खबर बाहर के किसी और को नहीं थी, फिर भी पुलिस को पता चल गया। अरे उसको किसी ने देख लिया होगा, वैसे भी उसको बहुत चटक मटक पहनने की आदत थी, वैसे में कोई भी पहचान सकता है भैया। नहीं, ये जिस तरह का एनकाउंटर था उसकी सारी प्लानिंग पहले से हो चुकी थी। पुलिस जानती थी कि ये लोग कब और कहां आएंगे। लेकिन ये इंफॉर्मेशन उन लोगों को मिली कैसे? हाँ बोल। अरे पैसा देके भेज उसको, इसमें पूछना का है? हाँ नहीं, अभी हम भैया के साथ हैं, आने में वक्त लगेगा। और सुन, उसको वहां से फोन करने के लिए बोलना। हेलो हेलो, पलागो कुमार। और सेठ को बोलना हमने पाटा के शोरूम में उसको बुलाया, दो घंटा बाद अकेले आए। और सुन, कहा हुआ भैया? बाद में बात करते हैं। कहा हुआ? संभल के बात किया करो, बहुत संभल के। अब कैसी है तबीयत? ठीक है अनामिका, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कभी कभार शरीर बता देता है कि बुढ़ापा आ गया है। वैसे बीमार पड़ने का एक तो फायदा हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई, वरना आप तो हमें भूल ही गई थी। हम तो परसों दिन में आए थे, अब सो रही थी। सुलांकी का होगा, आप प्लीज देख लेंगी। हेलो, कौन बोल रही है? जी मैं अनामिका। हाँ हाँ, जानते हैं तुमको, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हो ना। बता देना अपने उस एसएसपी को, छोड़ेंगे नहीं हरामजादे को, जल्दी ही उड़ा डालेंगे। अभी भी वक्त है, अपना ट्रांसफर करवा ले, नहीं तो लखनऊ में इस साले की चिता जलेगी, कोई नहीं बचा पाएगा उसको, समझे? हेलो अनामिका, क्या हुआ, किसका फोन है? कुछ नहीं, वो रॉन्ग नंबर था। अनामिका, इस तरह के फोन आते रहते हैं। हाँ, पर ये ठीक लोग नहीं है जय। इसीलिए तो हम जैसे लोगों की जरूरत है जो ऐसे लोगों को ठीक कर सके। काफी देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए।
श्री हरिप्रसाद सिंह भारत के उन एनआरआई उद्योगपतियों में से एक हैं जिन्होंने यूरोप और अमेरिका के मार्केट्स में अपनी साख स्थापित की है और अपनी तमाम सफलताओं के बावजूद अपने वतन के साथ रिश्ता कायम रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार उनके इसी अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें जागरण ह्यूमैनिटी फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित करने जा रही है। पर ये सम्मान देने से पहले हम आपको एक कहानी सुनाना चाहेंगे। लखनऊ की बगल में एक छोटा सा कस्बा है पीपिया, उसमें एक गरीब किसान रहता था। उसका एक लड़का पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छा था लेकिन घर की आर्थिक तंगी के कारण आगे पढ़ने में असमर्थ। उसी कस्बे में एक जमींदार रहते थे, बड़े धर्मात्मा। उन्होंने खुद आगे आकर उस गरीब किसान के बेटे की पूरी परवरिश का खर्चा उठाया। स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई उस गरीब किसान लड़के ने उस जमींदार के इकलौते बेटे के साथ की। बचपन से जवानी तक के लंबे सफर में कभी भी उस जमींदार के बेटे ने उस गरीब किसान लड़के को उसकी हैसियत नहीं जताई, एकदम भाई की तरह रखा। देवी और सज्जनों, आज वही गरीब किसान का बेटा आपका मुख्यमंत्री है और आज इसी वक्त उस जमींदार के बेटे का सम्मान करने जा रहा है। कपूर, ये इस देश का सौभाग्य है कि इसको इसके राजनेता नहीं बल्कि हम जैसे ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, नहीं तो इस सिस्टम का क्या हाल होता ये आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। रहने दो, मैं बना लूंगा। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी, अपनी तमाम अच्छाइयों के बावजूद आज एक कमजोर पोजिशन में हैं। आज की तारीख में सत्ता पार्टी और सहयोगी दलों के पास 405 सीटों की असेंबली में मात्र 218 सीटें हैं। एक कमजोर स्थिति है एंड वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। दूत जी, मेरे पास रामनाथ मिश्रा का एक ऑफर आया है। वो अपने 29 विधायकों और पूरे राजनीतिक बाहुबल के साथ रूलिंग कॉलिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि उनके साथ ये गठबंधन हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर उनकी एक शर्त है। आपकी चाय जी। चाय की चुस्कियों के बीच ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एसएसपी अजय कुमार के तबादले की बात की। नए शासनिक रिश्ते की एक छोटी सी कीमत थी और उभरते राजनीतिक माहौल की एक बुनियादी जरूरत। लखनऊ के सियासती दांव पेच से अच्छी तरह से वाकिफ एडीजी साहब ये जानते थे कि हिकमतारों के इस हुक्म को टाला नहीं जा सकता। ये ट्रांसफर हम सब के लिए जरूरी है। आपने सोच लिया तो फिर ठीक है सर, लेकिन रामनाथ मिश्रा जैसे पॉलिटिशियन का सपोर्ट पाने के लिए अगर हमें अजय कुमार जैसे अफसर का ट्रांसफर करना पड़े तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर। इसको समझने के लिए दूरदर्शिता की जरूरत है एडीजी साहब, फोरसाइट। अब अभी तक गए नहीं तिवारी जी? पिछले एक महीने से कुछ आदतें छूट सी गई हैं, घर जाना भी उनमें से एक है। क्या कर रहे हैं? मैं गजराज के फोन डिटेल्स को स्टडी कर रहा था। अब जब भी वो लखनऊ से बाहर फोन करता है तो सिम कार्ड बदल लेता। ये देखिए, इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर तो वही है लेकिन IMSI बदला हुआ। चलो अच्छा, तो ये तो पता चल गया कि उसका मोबाइल टैप हो रहा है। ये
इसको आप इफ यू डोंट माइंड अंदर रख सकते हैं। शो कोई प्रॉब्लम है? मुझे ऐसी चीजों को देखकर थोड़ी घबराहट होती है, मैं ठीक तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। मैंने सोलंकी और वैद्यनाथ से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो इस तरह की चीज़ें अपने पास ही रखें तो बेहतर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत नहीं, बस आप कंफर्टेबल रहें। आपकी चाय ठंडी हो रही है। ओह जी, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये कुछ कॉल्स की डिटेल्स हैं। तिवारी जी ने परसों 4 टेलीफोन नंबर्स पर सर्वेलेंस लगवाया था। ये तीसरा नंबर गोमती नगर चौक के PCO का है। दुबे का आना जाना है, वहाँ सारे आउट ऑफ स्टेशन कॉल्स वो यहीं से करता है। सुना है आज 11 बजे वो फिर आने वाला है। लेट्स गो। तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ही था और अमेरिकन इकॉनमी अपने पैरों पर खड़े होने जा रही थी। उस वक्त एक 22 साल के हिंदुस्तानी नौजवान के सपनों के लिए अमेरिका जैसे देश में गज्जू भैया हमार दुबे जी थोड़ी देर पहले गोमती नगर PCO गए थे। हुआ पुलिस भी आ गई, बिना किसी वार्निंग उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। गज्जू भैया दुबे जी स्पॉट पे। वैसे भी ये फैसला तो खुद से किया ही था कि जो सोचा है वो हासिल करेंगे और उससे जुड़ी जो तमाम दिक्कतें और मुश्किलें होंगी उनसे जूझेंगे भी। मेरा ये मानना है कि आदमी का जीवन एक कभी खत्म नहीं होने वाला संघर्ष है। कल का क्या करें? कैंसिल करवाएं? दुबे के बिना तो वैसे भी मुश्किल होगी। नहीं, अभी कैंसिल किया तो जो भी पोजीशन मार्केट में बनाए हो सब खत्म हो जाएगी एक झटके में। कल का प्रोग्राम रखो, बाकी सोचेंगे। हरिप्रसाद सिंह जी, आज के यंग जनरेशन के लिए आपका कोई मैसेज? जी, जय हिंद। गजराज सिंह के गिरोह ने लखनऊ के बोटानिकल गार्डन्स के सामने आज तड़के करीब 6:30 बजे NRI उद्योगपति हरिप्रसाद सिंह की हत्या कर उनके 10 साल के पोते राहुल सिंह का अपहरण कर लिया। सफेद रंग की सीएलओ कार में सवार अपहरणकर्ताओं ने HP सिंह और उनके पोते को तब घेरा जब वे सुबह की सैर के लिए निकले थे। घटना स्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार जब HP सिंह ने इसका प्रतिरोध किया तो गजराज ने उनपे AK-47 से गोलियों की बौछार कर दी। उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। हरि प्रसाद सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री रघुवीर सिंह के बचपन के मित्र थे। अंतिम संस्कार के लिए हरि प्रसाद के पार्थिव शरीर को उनके गाँव पीपिया ले जाया गया। इस काली ठंडी आग को वापस कर रहा हूं मैं और इसी के साथ लौटा रहा हूं। ये सफेद मिट्टी, ये गतिहीन पानी, ये बहरी हवा और ये अथाह आकाश जो गूंगा है। यूं तो मैं जानता हूं ईश्वर कि तुम जानते थे कि एक दिन मैं ये सब कुछ इसी तरह तुम्हें वापस कर दूंगा। हरि प्रसाद को यह कविता बचपन से ही बहुत पसंद थी। जब भी उसे मौका मिलता वो ये कविता हमें सुना देता और हम सुन लेते। दरअसल इतने सालों के बाद आज मुझे इसके मतलब का पता चला है। आप कुछ कह रहे थे सर? स्पेशल पुलिस फोर्स के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बता रहा था सर। स्पेशल फोर्स की कोई क्षेत्रीय जिम्मेदारियां नहीं, यही कहा था ना आपने? जी सर। सर ज्यूरिसडिक्शनल रिस्ट्रिक्शंस ना होने के कारण स्टेट वाइड मूवमेंट करने में हमें आसानी। एक्सक्यूज मी, इस वक्त का हमारा पूरा फोकस हरिप्रसाद जी के पोते को बचाने पर नहीं होना चाहिए? ये सब लीगलिटीज तो बाद में भी डिस्कस हो सकती है। फोकस अभी भी हरिप्रसाद जी के पोते को बचाने पर ही है और ये लीगलिटीज भी इसलिए डिस्कस की जा रही है ताकि किडनैपर्स तक हम जल्दी पहुंच सके। बच्चे को बचाना और स्पेशल पुलिस फोर्स का फॉर्मेशन,
मैं इस कनेक्शन को समझ नहीं पा रहा हूँ। इसके लिए दूरदर्शिता की जरूरत है गुप्ता जी, फोरसाइट। प्लीज। थैंक यू सर। स्पेशल पुलिस फोर्स किसी ऑपरेशन के लिए अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहे तो इसके लिए वो पूरी तरह ऑथराइज्ड। कुछ हादसे सियासती सोच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। हरिप्रसाद की हत्या ऐसा ही एक हादसा थी। उस देर रात तक चली मीटिंग में स्पेशल फोर्स से जुड़े सारे मुद्दों की पहली बार सिलसिलेवार तरीके से परख हुई। सवालों का साफ दिल जवाब ढूंढा गया और पहलुओं को गहराई में समझने की कोशिश भी की गई। इरादा पक्का था और स्पेशल टास्क फोर्स का गठन अब एक हकीकत। तो आप सब मेरे साथ एसटीएफ में आ रहे हैं? और नहीं तो क्या सर, अब ये तो कुछ करने का वक्त आया है। हम सब लोग आपके साथ हैं, विद यू फॉर यू ऑलवेज। ये तो दिल्ली पुलिस का स्लोगन है। आप जो भी हो यहाँ फिट बैठता है। क्यों तिवारी जी? जी, विद यू फॉर यू ऑलवेज सर। अब है मना किया था ना आवाज निकालने से। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या तुम्हारे? प्यास लगी है। कला नहीं खोट दे, प्यासे खत्म हो जाएगी। क्या कहते हो? वैसे भी साला 8 दिन से चू चुआई सुन के दिमाग एकदम पक गया है। गज्जू भैया बुला रहे हैं। सुनो, आपके आवाज आई ना तो यह गर्दन काट के तुम्हारी अम्मा को कुरियर कर देंगे, समझे? पानी चाहिए साले को। वो घंटे बाद पानी देना इसको। हाँ। ब्रजेश आ रहे हैं। तुमको ही पूरे छपना में यही जगह मिली थी, ट्रैक के एकदम बगल में। ठीक से सो भी नहीं पाते हम। नेपाल से कंसाइनमेंट आ गया है, उसे कल लखनऊ में रिसीव करना होगा। अब ये ट्रेन से निकल जाओ, वहां स्टेशन पर द्विवेदी का आदमी कैश के साथ मिल जाएगा और डिलीवरी मिलते स्टेशन के पीसीओ से फोन कर देना। और कासिम, इस बार लौंडियाबाजी ना हो। सर क्या हुआ? सर ये रिपोर्ट आ गई सर। ये सारी डिटेल्स लिया आपने? सब डिटेल्स। वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी वही गलत थी सर। ये लोग तो कानपुर गए ही नहीं, और जिस आदमी को हमने गिरफ्तार किया वो बलराम पांडे के गैंग का आदमी है। उसका गजराज से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तिवारी जी, ये नंबर चारवाके पीछे हुआ है। ओह माय गॉड। और फोन्स महानगर के नंबर पे ही हुए। क्या हुआ तिवारी जी, एनीथिंग इम्पोर्टेंट? जी, एक्सचेंज से कॉन्फर्मेशन आया है, कासिम लखनऊ में ही है। अभी 10:20 पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया। आवाज़ अनक्लियर थी तो वो फ़ोन पे उसे किस करना चाह रहा था। आवाज़ सुनाई नहीं दी तो उसने फिर दोबारा 5 मिनट के बाद फ़ोन किया। दोनों बार फ़ोन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पीसीओ से किया गया। वो अभी भी वहीं है। मैदनाथ, पानी डालो इसके मुंह पर। बोल कहाँ है बच्चा? आँख खोल, फिर से पानी डाल साले पे। वो सब तो ठीक है, लेकिन कासिम से कोई और इन्फॉर्मेशन निकली? नो सर, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी हम लोगों ने निकलवा ली है। उसके पास बताने के लिए और कुछ नहीं है। ये छपना है कहाँ? लखनऊ बनारस हाईवे, जौनपुर से करीब 25 किलोमीटर आगे। ये वही इलाका है जहां हमने 1 महीने पहले बजरंगी को पकड़ा था। सर, इन किडनैपर्स को भी पकड़ना है या? ये फैसला आप लोग खुद लेंगे, और अब आपका हर फैसला मेरा फैसला होगा। अरे कहाँ है रे?
पता नहीं यहाँ कब बल्ब लगेगा। अरे यार ढूंढो उसको और जल्दी बताओ हमें। ठीक है, कासिम की कोई खबर नहीं आई? ना, सब जगह फोन लगा लिया, किसी को कुछ पता ही नहीं। एक घंटा और इंतजार कर लो, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो ये लड़के को लेके इलाहाबाद निकला जाए। दूध वाला होगा। आज तुम आए हो, वो लड़का कहाँ है? हेलो बच्चों भैया, हम रामलाल, भोरे भोरे एक सफेद सुमो छपना की ओर जाते हुए देखे हैं। काफी देर से आपका फोन ट्राई कर रहे थे, मिल ही नहीं रहा था, बहुत परेशान हो गए थे बच्चों भैया। हेडक्वार्टर्स फोन करो, उनको कहो कि बच्चा ठीक है, यहां से ले जाओ उसे। लेट्स गो। ये लोग कौन थे? लखनऊ पुलिस की वही टीम जो चार महीने पहले आप लोगों का पीछा करते करते बनारस आ पहुंची थी। इस बार आपने फोन करके बताया नहीं? अरे जब हमें ही खबर नहीं मिली तो हम आपको कैसे बताते चौधरी जी, जरा सोचिए। गुप्ता जी, आप एसएसपी हैं, ये कैसे संभव हो सकता है कि आपके इलाके में ऑपरेशन हो और आपको पता भी ना चले? आप बात को समझ नहीं रहे हैं चौधरी जी, एसटीएफ के अंडर पूरा यूपी आता है और इनके ज्यादातर ऑपरेशंस में लोकल पुलिस की इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होती है। परसों बरेली कंटोनमेंट में इसी टीम ने भरी दोपहरी सूरजपाल ओझा का एनकाउंटर कर दिया और लोकल पुलिस को तब पता लगा जब एफआईआर दर्ज होने के समय उनको विटनेस बनाया गया और आप फोन पर बताने की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे ना चौधरी जी कि एसटीएफ अलग है और लोकल पुलिस अलग है। एसएसपी साहब, इस एसटीएफ के बारे में और क्या जानते हैं आप? मेरी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ में हुई, लमाटने स्कूल में। मैं 8 साल का था जब माय फादर एक्सपायर्ड, उसके बाद हम दिल्ली चले गए, बाकी की पढ़ाई मैंने वहीं की। सर जी, सर आप पढ़ाई में कैसे थे? Were you a bright student? I think I was an average student. पर ये था कि मुझे हमेशा मालूम होता था कि क्या पढ़ना चाहिए और किस चीज को अवॉइड करनी चाहिए। सर, but I was told कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और अगर आप चाहते तो आईएएस ऑफिसर भी बन सकते थे। जी, मैं पहले से ही पुलिस ज्वाइन करना चाहता था। I think that's why I opted for IPS. आपकी एज क्या है सर? 31. Are you married, sir? Girls, no personal questions. मैम पर ये जाना बहुत जरूरी है। No, no, and I mean it, okay? Sir, have you ever fallen in love? आप हंस रही हैं? Sorry. आप इन लोगों को पढ़ा लेती हैं? आराम से। और ये लोग आपकी बात सुन भी लेते हैं? पढ़ाने का एक तरीका होता है ना। अच्छा, आपने अनीता के सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? कौन अनीता? वही जिसने पूछा इफ यू हैव एवर फॉलन इन लव।
जवाब देना चाहिए था। कुछ सवालों का जवाब देना जरूरी होता है। ईस्ट फेसिंग ब्लॉक के कंस्ट्रक्शन के लिए अभी फंड्स अलॉट मत करो और ये वाली बिल्डिंग पे काम चल रहा है। बाकी ये डायग्राम सब ठीक है। कैसे हैं सत्यपाल जी? ठीक हूँ। और तबीयत? पहले से अच्छी है। सब कुछ नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। कैसे दे मैं तुम्हें दोबारा यहाँ आने की? ऐसे ही कुछ बातें समझनी थी, सोचा यहाँ शायद आप बेहतर समझा सकेंगे। आइए। 12 दिन पहले हरिप्रसाद सिंह के किडनैप पोते को गजराज की गिरफ्त से छुड़वाया गया। उसी लोकेशन से 2 प्लॉट्स के कागजात भी मिले। तहकीकात में मालूम हुआ कि जो नाम और पते उन रजिस्ट्रेशन पेपर्स पे थे वो फर्जी थे। आप देखना चाहेंगे? दोनों प्लॉट्स लखनऊ के काफी अच्छे इलाके में हैं और वहां कंस्ट्रक्शन का काम बड़े जोर शोर से चल रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है मेहरा कंस्ट्रक्शंस। 9 दिन पहले हमें ये खबर मिली और पिछले 8 दिन से आपका फोन सर्वेलेंस पे है। गजराज के लिए क्या काम करते हैं आप? और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? आराम से बताइए, कोई जल्दी नहीं है। सत्यपाल मेहरा की फिरौती की कीमत 2 हिस्सों में तय की गई। पहला हिस्सा नकद 37 लाख रुपए, दूसरा गजराज के बेनामी जमीन के खरीद फरोख्त के धंधे में मेहरा कंस्ट्रक्शंस के नाम का इस्तेमाल। लखनऊ का रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन बाजार भी रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अवैध पैसे से सींचने लगा था। सर, इसे कोर्ट ले जा रहा हूं। जी सर, रिमांड के लिए वकील साहब ने पेपर मंगवाए हैं। 3 बजे की हियरिंग है सर। सुलंकी, इसकी फाइल का क्या हुआ? फाइल एडीजी साहब के पास पहुंचा दी गई है, शाम को मिलते हैं। ओके सर, ये बशीरुद्दीन अहमद है। कल शाम को हमने इसे आजमगढ़ में गिरफ्तार किया। इसकी मूल रिहाइश नेपाल की है। हाल ही में गजराज की गैंग से जो AK-47 और 9mm पिस्टल्स रिकवर हुए थे उसका सॉस यही था। ये दूसरी फोटोग्राफ मिर्जा असलम शेख की है, नेपाल में ISI का फ्रंटमैन। बॉम्बे ब्लास्ट केस में भी ये कनेक्टेड है। सर, दरअसल बशीरुद्दीन जो है वो इसी के लिए काम करता है। लेकिन गजराज असलम शेख जैसे आदमी से उलझने की कोशिश क्यों करेगा? सर, बात उलझने की नहीं है, बात सहूलियत की है। गजराज सिंह के गैर कानूनी काम फैलते जा रहे हैं और उसको इसके लिए हर किस्म के हथियार की जरूरत पड़ती है, और इस किस्म के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आज की तारीख में उसे सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है, मिर्जा असलम शेख। कब से चल रहा है ये सब? 5 महीने से सर। इनफैक्ट पिछले महीने ही गजराज नेपाल गया था असलम शेख से मिलने। बशीरुद्दीन के पास से हम लोगों को इस मीटिंग की एक VHS। सर, बेहतर को रोकिए सर, रोकिए नाउ। अजय, अजय, Oh.
सब कुछ शायद एकाएक ही हुआ। शरीर की उम्मीद तो चलिए भगवान, तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। और इस तरह से सब इंस्पेक्टर वैद्यनाथ मिश्रा विदा हुए। अगले कुछ दिनों में एसटीएफ ने स्टेट लेवल पर बड़े माफिया सरगनाओं और शातिर अपराधियों की एक मोस्ट वांटेड लिस्ट बनाई। लिहाजा ऑपरेशंस, एनकाउंटर्स, रेड्स और उनसे जुड़ी गिरफ्तारियों का एक दौर चला। उत्तर प्रदेश के पुलिस इतिहास में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को शायद पहली बार ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चुनौती दी गई। स्पेशल टास्क फोर्स की लगातार मारों से संगठित अपराध जगत बुरी तरह से लड़खड़ा है। वो महानगर वाले प्लॉट की डील अभी रोक दी है। मामला गर्म है। लड़कों से भी कह दिया है कि जब तक गज्जू भैया आपकी चाय। तुमको हम लेटने के लिए गए थे ना, हाथ गर्म है, तबीयत ठीक नहीं है तो काय काम कर रहे हो चौधरी? हाँ, डॉक्टर को बुलायो। हाँ कहलवा दिया, दोपहर तक आ जाएगा। जाओ सो जाओ। अरे जाओ, कल एसटीएफ वालों ने ललन शुक्ला की कहानी भी खत्म कर दी। अब इसके पीछे पड़े हुए हैं। ललन को तो खैर ज्यादा कुछ मालूम भी नहीं था, इसलिए बता भी नहीं पाया होगा, पर इसको तो पूरी इंफॉर्मेशन है। अगर कहीं पुलिस कुछ नहीं होगा, फालतू का टेंशन लेते हो चौधरी। इसकी तबीयत थोड़ा सुधर जाए तो लखनऊ से बाहर भेजने का इंतजाम करो, बाकी सोचेंगे। अजय, हम अब जाएंगे। हम भी आपके साथ जाएंगे। नहीं, आपको बड़ा आदमी बनना है, अपनी माँ का ध्यान रखना है। खूब मन लगा के पढ़िएगा अजय, और कभी किसी से डरिएगा मत। डरना अच्छी बात नहीं है अजय, ठीक है बेटा? आप समझ रहे हो ना? जाइए। पापा दरवाजा नहीं खोल रहे। पापा को बोलो ना दरवाजा खोलें। पापा, पापा, पापा। अबे तुम लोगों को चलना नहीं है का? गाड़ी आ गई है, चलो। गाड़ी राइट टाइम है, खाने का क्या होगा? का बताए क्या होगा, चलो। नाम है श्रीधर पंडित, यूनिवर्सिटी पास आउट है। इसके पिताजी एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। पिछले 10 महीने से गजराज के साथ काम कर रहा था। सुना है रेलवे क्रॉसिंग पर नारायण को गोली गजराज ने नहीं, इसी ने मारी थी। Do you have any leads on this? Hello? अजय कैसे?
ऑफिस में हूँ माँ। माँ बात क्या है? बहुत ही बुरा फोन आया था अभी अजय, कह रहे थे वो आज ही तुम्हें बेदनत की तरह, तुम इसी वक्त घर आ जाओ, हम तुम्हें देखना चाहते हैं, बहुत बेचैन हैं हम। काम खत्म होते ही हम घर आ जाएंगे माँ। हमने कहा ना कि तुम तुरंत घर वापस आ जाओ, इसमें कोई बहस नहीं होगी। और हाँ, गाड़ी में अकेले मत बैठना, साथ में कोई हो, समझे तुम? ठीक है माँ, हम अभी आ रहे हैं। सोलंकी, मुझे निकलना होगा, कुछ फोन कॉल्स आए थे और माँ बहुत परेशान हो गई है। जस्ट गो थ्रू ऑल द फाइल्स एंड ओके, गिव मी ऑल द डिटेल्स ऑन द फोन। आई एम सॉरी अबाउट दिस। राइट सर। कल एकदम में हिला देने वाले फोन किए थे भैया। जी मालूम है भैया। ए छनुआ, दुगो चाय बोल रहे? जी भैया, अब की नहीं मानेगा ना तो साले गोली नहीं चलवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए भैया। हाँ, हम तो आपके लिए कुछ कर सकते हैं भैया। जी भैया। नहीं भैया, कोई लेडीज थी इसलिए बहुत आराम से बात किए, ज्यादा हम फुनवा पर नहीं फड़फड़ाए ना, नहीं तो जब तक इन पुलिस वाले को छिसाद गाली नहीं दे दो ना, लोग सुधरने वाले नहीं है। जी भैया, पैर छुके प्रणाम भैया। हाँ कौन है रे, किसने भेजा है? लेडीज थी इसलिए आराम से बात की, फड़फड़ाया नहीं ज्यादा फोन पे। तुम जानते हो हम कौन है, है? फड़फड़ाने का मतलब समझते हो? सारा उत्तेरी तो व्हाट्स दिस नॉनसेंस, क्या है ये? आई डिमांड एन एक्सप्लेनेशन नाउ। सुनो कि तुम्हें शायद मेरी बात सुनाई नहीं दी। सर, कासिम से हमें यह इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गजराज की तरफ से टेलीफोन पर जो आदमी धमकियां देता है वो यही आदमी है, इसलिए। इसलिए क्या? इसलिए इस आदमी को आप भरे बाजार पीटेंगे जानवरों की तरह, क्योंकि ही हैज मेड फ्यू कॉल्स। अगर टेलीफोन की धमकियों से आपको इतना ही डर लगता है श्री जोगिंदर सिंह सोलंकी, तो फिर छोड़ दीजिए पुलिस की नौकरी, लानत है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जिस आदमी को आप लोगों ने मारा है वो रामनाथ मिश्रा की पार्टी का एक युवा कार्यकर्ता है। सर अजय, आज इनकी एक्सप्लेनेशन मुझे तुमसे नहीं चाहिए। रामनाथ मिश्रा ने इस सारे एपिसोड को एक पॉलिटिकल एंगल दे दिया है। वो कहता है कि एसटीएफ के कारण यूपी में एक पुलिस राज है। हम लोगों की अपनी प्रॉब्लम्स कुछ कम है इस समय जो इस नौटंकी की जरूरत थी। असेंबली तक में बात पहुंची। क्या बात है तिवारी जी? सत्यपाल मेहरा से हमें 5 मोबाइल फोन्स की इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसमें से 4 तो गजराज के थे, लेकिन एक चौधरी का था और चौधरी वाला फोन दिल्ली का था। पिछले 1.25 घंटे से वो फोन एक्टिवेटेड है। इसका मतलब चौधरी दिल्ली में है। जी उम्मीद तो यही की जा रही है। अब कॉन्फर्मेशन तो कॉल डिटेल्स को एनालाइज करने के बाद ही पता चल सकती है। चलिए आप कॉल डिटेल्स संभालिए, मैं एडीजी साहब को संभालता हूँ। जी आज सुबह ही आए मिश्रा जी, वो कुछ कलेक्शन करना था इसीलिए आना पड़ गया, नहीं तो हम भी गज्जू भैया के साथ ही नेपाल निकल जाते। मना किए थे गजराज को हम एसटीएफ से सीधे ना भिड़े, लेकिन वो तो किसी की सुनता ही नहीं। अब ना हम खुलकर उसकी मदद कर सकते हैं और ना ही कुछ। गज्जू भैया ने कहा है कि वो दिल्ली मेट्रो वाले टेंडर में आपकी मदद चाहिए। ठीक है, कागजात भिजवा दो, हम बात कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, भिजवाते हैं, मिलकर बात करते हैं मिश्रा जी। प्रणाम। खुश रहो। गजराज ने तो हम सब का मुसीबत में डाल दिया है मिश्रा जी, ऐसा कब तक चलेगा? जब तक चलता है चलाओ, फिर कोई और उपाय करेंगे। इस देश में गजराजों की कमी थोड़ी ना है। जी जी,
तिवारी जी, बाकी एड्रेस भी वेरीफाई कर लीजिए। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं होल्ड कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। क्या कर रही हैं आप? तुम्हारी और अनामिका के शादी में किसको बुलाना है उसकी गेस्ट लिस्ट बना रहे हैं। वेरी गुड। तिवारी जी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। माँ, क्या बात कर रही हैं आप? आपकी शादी की बात कर रहे हैं, कुछ गलत है क्या? नहीं, लेकिन अनामिका को मैं बेली 6-8 महीने से जानता हूँ। आप इस गलत फहमी में ना रहें। आज सुबह मेजर साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा कि आपको अनामिका से मिले 11 महीने और 12 दिन हुए हैं। ये सब मेजर साहब को कैसे मालूम? लड़की के पिता को सब मालूम रहता है, और आप एक दूसरे को जितना जान गए हैं ना वो काफी है, बाकी जानना मानना शादी के बाद। माँ माँ, प्लीज लेट्स थिंक इट ओवर। नो थिंकिंग अजय, अब शादी होगी, उसके बाद जो मन में आए करो। एक बार अगर अनामिका से भी पूछ लेते तो। पूछ लिया, इसे दिक्कत नहीं है। ओ। तुम्हें है? अब हम राम जी की जरा मदद कर दें, और फिर गेस्ट लिस्ट भी बनानी है ना। तो आप कब आई? वो मेजर साहब का फोन आया था, और लड़की के पिता को सब पता है के बीच में। ये ऊपर वाले दोनों नंबर्स रामनाथ मिश्रा के दिल्ली के घर के हैं, और ये एक फार्म हाउस है मेहरोली में उसका, बट आई डोंट थिंक दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमारे मतलब के ये दो नंबर्स हैं जो इस पन्ने पर दर्ज हैं। गोल्डी कार सर्विसिंग सेंटर। जी, ये कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में लोकेटेड है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से कोई ना कोई लीड ज़रूर मिलेगी। कोई ख़ास वजह? जी, चौधरी ने अपने मोबाइल फ़ोन से कल और परसों के बीच कोई 23 टेलीफोन कॉल्स इन दो नंबर्स पर किए हैं, और किसी भी कॉल का ड्यूरेशन 4 मिनट से कम नहीं था। यानी सर्विस स्टेशन में कोई है जिससे चौधरी कुछ डिटेल्स हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि चौधरी यहाँ आएगा कब। अरे भैया, चटा गए इस कैसेट को सुन सुन के, बदल इसको। अरे तो बदल देते हैं, भड़क काहे कर रहे हो यार। अरे गोल्डी है कहाँ? साले को बोला था वक्त पे पहुंच जा। हरामी साला, पहुंच देने टाइम पे। तो आप सब मेरे साथ एसटीएफ में आ रहे हैं? और नहीं तो का सर, अब ये तो कुछ करने का वक्त आया है। हम सब लोग आपके साथ हैं, विद यू फॉर यू ऑलवेज। जवाबी फायरिंग में दो गैंगस्टर्स की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि ऋतुराज चौधरी वल्द हेमराज चौधरी बुरी तरह इंजर्ड हो गया। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए एसटीएफ चौधरी को घायल अवस्था में ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गई, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। और कुछ? नो, आई डोंट थिंक सो। जो कुछ हमारे एफआईआर में था वो सब इस काउंटर एफिडेविट में आ गया है। क्यों अजय? जी सर, उम्मीद नहीं थी कि चौधरी का भाई दिल्ली हाई कोर्ट में रिट फाइल करेगा। काफी हैवी एलिगेशंस लगाए हैं, इसीलिए तो आपके पास आए हैं सूरी साहब। यू आर द बेस्ट मैन फॉर दिस जॉब। वो सब ठीक है कपूर, तुम तो जानते हो कि दिल्ली में ह्यूमन राइट्स कमीशन कितना एक्टिव है। अगर तुम लोगों को ये ऑपरेशन करवाना ही था तो आइडियली इन गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करना चाहिए था, जो कि शायद तुम कर सकते थे। सूरी साहब, अगर पुलिस को आइडियली ऑपरेट करवाना चाहते हैं तो उसे आइडियल एनवायरनमेंट भी तो दीजिए। आजकल जिस तरह का माहौल है उसमें अगर चौधरी जैसे गैरवाजिब लोगों से निपटना है तो गैरवाजिब तरीके तो अख्तियार करने ही पड़ेंगे। ऐसी लड़ाइयां अगर आइडियलिज्म के दायरे में रह के लड़ी जाएं, तो फिर मिल चुकी जीत। सूरी साहब की कानूनी जरह के आगे रिट में लगाए गए इल्जामात टिक नहीं पाए, और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया। उधर उत्तर प्रदेश की आम पुलिस के हौसले
एसटीएफ की इन लगातार कामयाबियों से काफी बुलंद हो गए। अरसे बाद थाना स्तर पर भी माफिया गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाने लगी। पूरे महकमे में एक खास किस्म का जोश आ गया था। 5:34:19 989-1005-280 इसका ड्यूरेशन 25 सेकंड है। राइट। तिवारी जी मैं घर जा रहा हूँ, रास्ते में आपको छोड़ सकता हूँ? नीड अ लिफ्ट? थैंक यू। सैयद एक्सचेंज से कुछ इन्फॉर्मेशन चाह रहा था। मैं आपकी मदद करूं कुछ? थैंक यू। मेरे फिजिक्स के प्रोफेसर कहा करते थे कि आदमी को अपना बोझ खुद उठाने की आदत होनी चाहिए। बोझ अगर अपना हो तो आपने तो पूरे डिपार्टमेंट का बोझ उठा रखा है। आइए। थैंक यू। आपको अभी से परहेज है? हाँ, मतलब लता मंगेशकर से तो परहेज नहीं है ना? यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स के हालिया ऑपरेशन से ये बात सामने आई है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ माफिया गिरोह अब नेपाल से ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संरक्षण में ये गैंग्स अब आर्म्स ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, हवाला और काउंटरफेटिंग ऑफ करेंसी जैसी आपराधिक गतिविधियों में भी शरीक हैं। देखिए, अभी आंतरिक सुरक्षा का मामला हो गया है और इसका समाधान स्टेट लेवल पर संभव नहीं है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जैसे कि रॉ, आईबी, इंटरपोल की मदद की जरूरत होगी और उसके लिए हमारी केंद्रीय सरकार से बातचीत चल रही है। रेलवे ठेकेदारियों पर अपना वर्चस्व कायम करने के बाद यूपी का माफिया अब इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। जीनियोस को मिली कुछ भी कहिए मिश्रा जी, गजराज ने रघुवीर सिंह की सरकार को हिलाकर रखा हुआ है। ससरे भयमुक्त समाज बनाने चले हैं, प्रशासन से लेके पुलिस तक सब नाच रहे हैं। आपने ठीक ही कहा था, आदमी ये काम का है, बस ये ऐसे ही टिक जाए। ये ऐसे नहीं टिकेगा द्विवेदी, उसे टिकाने के लिए कुछ उपाय करना होगा। गोरखपुर की बांसगांव असेंबली सीट पर बाई इलेक्शन अनाउंस हो गया है जी। वो सीट बिल्कुल सेफ है, गजराज को वहीं से लड़ाएंगे। पर वो लड़ेगा? अरे काहे नहीं लड़ेगा, उसे सिस्टम में लाया जा रहा है, आराम से लड़ेगा। लेकिन मिश्रा जी, उससे अगर ऐसे पब्लिकली जुड़ेंगे तो पार्टी की छवि नहीं बिगड़ेगी? बिल्कुल नहीं, वो निर्दलीय लड़ेगा, हम सिर्फ उसे बाहर से सपोर्ट करेंगे। लेकिन इलेक्शन लड़ने तो उसे यहीं आना पड़ेगा, और आप तो जानते हैं एसटीएफ वाले उसके पीछे हाथ धोकर के पड़े हैं, अगर वो उन्हें कहीं दिख गया तो गोली मार देंगे उसे। उसका उपाय भी है हमरे दिमाग में। अच्छा। सामान के साथ रहना। आगरा में तुम्हारे रहने का इंतजाम करा दिया है, ये हवलदार तुम्हारे साथ रहेंगे, कोई दिक्कत हो तो फोन करना। ओके। और गजराज के बारे में घबराने की जरूरत नहीं। कासिम, कासिम, लेट्स गो। पैकिंग हो गई?
माँ हमने दिल्ली के सारे नंबर्स राम जी को दे दिए हैं। आपका जब जी चाहे फोन कर लीजिएगा। हम चलेंगे माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अजय, जीत हमेशा धर्म की होती है। इसी के भरोसे तो लड़ रहे मां। इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आ चुकी थी कि गजराज सिंह दिल्ली में है। रातों रात के उस सफर में हम में से कोई भी सोया नहीं। सब लोग अपने अपने कोने में सिमटे हुए थे। गाड़ी में एक अजीब किस्म की खामोशी थी। दिल्ली अगले 9 दिनों के लिए एसटीएफ का ऑपरेशनल बेस बन गई। तुरंत ही तहकीकात से मिली जानकारियों पर काम चलने लगा और उनसे जुड़ी हरकतों पर चौकसी बरती जाने लगी। मकसद साफ था, इरादा जाहिर था, लक्ष्य था गजराज सिंह, और शायद यही इस कहानी का अंतिम पड़ाव भी था। सेल आईडी से तो साफ है कि ये इन दोनों टावर्स के बीच में ही कहीं घूम रहा है। फिर तो हमारा फोकस सिर्फ यही होना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन चाणक्य पूरी डिप्लोमेटिक एरिया है, यहाँ ऑपरेशन से दिल्ली पुलिस को दिक्कत हो सकती है। तो ठीक है, यहाँ से पकड़ेंगे और मेहरौली ले जाकर ऑपरेशन दिखा देंगे। कॉफी? हाँ क्यों नहीं, इतनी सारी चाय पी ली है तो थोड़ी कॉफी भी हो जाए। जानते हैं तिवारी जी, माँ कहा करती है जब शरीर थक जाए तो उगते हुए सूरज के सामने खड़े हो जाना चाहिए, थकान दूर हो जाती है। तो दूर हुई थकान? शरीर की तो हो गई, अब मन की बारी है। कन्फर्म्ड है, कॉल ट्रैक हो गया है। गजराज निजामुद्दीन स्टेशन के बाहर वाले पीसीओ से बात कर रहा है। मिश्रा? हाँ, मिश्रा के सेल आईडी चेक कराओ इमीडिएटली। पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? कम से कम 15 मिनट, अगर ट्रैफिक ठीक मिलता है तो। लेकिन सर, तब तक वो वहां से निकल ना जाए। वो वहां से नहीं निकलेगा। कम ऑन, लेट्स गो। तिवारी जी, मेरे ख्याल से आपको भी आना चाहिए, जरूरत पड़ सकती है।
अजय साहब, गजराज शायद पीसीओ से बाहर निकल गया। और कोई उपाय नहीं है, काफी सोच समझ कर ही ये रास्ता निकाला गया है। देखो गजराज, तुम्हें एक बार तो सरेंडर करना ही होगा, और ये फॉर्मेलिटीज हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए आप कह रहे हैं तो ठीक ही है, लेकिन ये सरेंडर कहां के कोर्ट में होगा? गोरखपुर, अपना ही इलाका है, सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। लेकिन कहीं पुलिस ने रिमांड पर ले लिया तो? अरे पुलिस तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगी, तुम काहे चिंता करते हो, सब कुछ बात हो गया है, जुडिशियल कस्टडी में ही तुमको जेल में भेज दिया जाएगा। और हाँ, नॉमिनेशन पेपर भी जेल में ही फाइल होगा। हाँ बोलो, मिश्रा जी के साथ मीटिंग में, उन्हीं से बोलते हैं, वही करवा देंगे। इस सरेंडर एप्लीकेशन को पहुंचते ही डाल देंगे, परसों या तरसों की तारीख भी लग जाएगी, उसके बाद तो आप संभाल ही लेंगे। हम जरा टॉयलेट से आते हैं। अजय साहब, गजराज अपने मोबाइल से बात कर रहा था, मिश्रा के साथ है वो, यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। कम ऑन। एसटीएफ टीम आ गई है, हमको तो पहले से उस साले मिश्रा पे शक था, उसी ने बुलाया होगा। लाली मोबाइल फेंको। गजराज कहाँ है? वो उस ट्रेन में गया होगा। मूव, चलिए तिवारी जी। ट्रेन काफी खाली लग रही है, लोकपाल और बाकी के लोग कहाँ हैं? उनके कंपार्टमेंट का पैसेज ब्लॉक था सर, अभी उसका फोन आया था। ठीक है चलो। तिवारी जी अपना हाथ यहां रखिएगा। सैयद, सैयद मैं आ रहा हूं। सैयद, तिवारी जी आप इनके साथ ही रहिएगा, कहीं जाइएगा मत।
आपको सैयद के साथ होना चाहिए। तिवारी जी प्लीज चाहिए। अभी तक चल रही है। गजू भैया हम चेक कर लिए हैं, आगे बोगी का दरवाजा जाम है, निकलने का बस यही एक रास्ता है। नदी आ गई लगता है, आ गई। और कुछ
तिवारी जी? हाँ। बस इतना ही। तो फिर ये थी कहानी एसएसपी अजय कुमार की। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं थी, हम सबों की थी। सोलंकी, बैद्यनाथ, सैयद, यादव, लोकपाल, और मेरी, हम सबों की कहानी थी ये। खुशियों भरा सफर हो।